हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल इन मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्किंग। प्रैक्टिकल के लिए आपको बेसिकली GNS3 इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसका सेशन हमारा लास्ट टाइम हुआ था, सो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, देन स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। सो जस्ट लाइक प्रैक्टिकल मैनुअल आपके पास होगा, सो दिस इज एन मैनुअल फॉर प्रैक्टिकल। तो इसके अंदर जैसे कि एक डायग्राम दी गई है, वो डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है। उसके लिए आपको 3 राउटर लगेंगे एंड कनेक्टेड विद अ सीरियल कनेक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए सो वी स्टार्ट विद द GNS3 के टोपोलॉजी ड्रॉ करने के लिए टाइम जा सकता है, सो आप उसको ड्रॉ करो। मैं आपको यहाँ पे प्री डिफाइंड अब पहले से सेव किया हुआ दिखाता हूँ। तो फर्स्ट गो टू प्रेफरेंस, चेकिंग एंड टेस्टिंग, टेस्ट सेटिंग चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो प्रॉपरली वर्क नहीं होगा या कोई एरर होगा तो हमें डिफाइन नहीं कर सकते उसको। टेस्ट सेटिंग यहाँ पे देखो, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा कि तीनों भी टेस्ट सेटिंग हो गई। देन हमारे पास ऑलरेडी हमने किया हुआ सेशन है प्रैक्टिकल 1 के, इन द सेंस सेम टोपोलॉजी हमने ड्रॉ की है। जैसे लाइक देखते हैं कि क्या है टोपोलॉजी का मीनिंग। फर्स्ट इज एन ब्रांच, ब्रांच इन द सेंस राउटर 1 जो होस्ट होने वाला है मेन, जहाँ से जो भी हमारे नंबर्स ऑफ यूजर्स है ये डेटा एक्सेस करने वाले हैं फ्रॉम राउटर 1। एंड राउटर 1 कहाँ से इंटरनेट एक्सेस करेगा? वाया ISP प्रोवाइडर 1। इफ ISP प्रोवाइडर 1 के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा या किसी रीज़न की वजह से वो फेल हो गया, तो उसको फेल ओवर को ओवरकम करने के लिए हमारे पास ISP प्रोवाइडर 2 है। दैट इज देन सेकेंडरी ISP लिंक के, प्राइमरी ISP लिंक एंड सेकेंडरी ISP लिंक। तो सिमिलर उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक IP एड्रेस दिए यहाँ पे, और एक रैंडमली क्लास ली है, रैंडमली IP एड्रेस ली है विथ एन नेटवर्क एंड द लूप। ओके, लूप बैक स्टेटमेंट भी लिए फॉर अ वर्चुअल इंटरफेस। वर्चुअल इंटरफेस यहाँ पे हमने क्रिएट किया एंड एक वेब सर्वर के लिए भी लूप बैक यहाँ पे हम यूज करने वाले। सो स्टार्ट करते हैं हमारे कोडिंग पार्ट। ये नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप वाला कंसेप्ट है, इसके लिए हम टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमारे प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। तो स्टार्ट नोड, नोड स्टार्ट हो गए, देन क्लिक ऑल कंसोल्स। ओके, सभी कंसोल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, तीनों कंसोल्स विजिबल है सबको। ओके, सेकेंड इसको साइड में ड्रैग करते हैं, दोनों को साइड बाय साइड हम कमांड दे सकते हैं। ओके, कमांड भी ऑलमोस्ट सेम ही हल किसके लिए, तो उसको टाइम सेव करने के लिए हमने कमांड्स प्री डिफाइंड पहले से लिख के रखे। ओके, जस्ट लाइक कौन कौन से कमांड है हमारे पास, एनेबल, कॉन्फिगर टर्मिनल, होस्ट नेम, इंटरफेस loopback 0, दैट इज एन इंटरफेस 192.168.1.1 /24, इट इज एन हमारा सबनेट मास्क होने वाला है, तो 255.255.255। देन सीरियल कनेक्शन 1/0। ओके, यहाँ पे सीरियल कनेक्शन विजिबल नहीं है, सो क्लिक ऑन व्यू एंड शो सीरियल कनेक्शन। सो 1/0 के लिए हमारे पास कौन से IP एड्रेस है, 209.165.201.2। ओके, देन सेकेंड 1/1 के लिए .130। सो ये हम डायरेक्टली इसको कॉपी करते हैं एंड हमारे जो कमांड प्रॉम्प्ट के फर्स्ट राउटर है R1, उसके ऊपर पेस्ट करने के सिंपली राइट क्लिक, तो जितने भी नंबर्स ऑफ कमांड से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये फर्स्ट हो गया, देन सिमिलर फॉर राउटर सेकेंड एंड राउटर थर्ड। तो इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। रे आपको कमांड इसकी भी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चेक करते हैं इसके अंदर हमने क्या दिया है, कॉन्फिग टर्मिनल, होस्ट नेम ISP प्रोवाइडर 1, लूप बैक 200, इन द सेंस जो हमारे वेब सर्वर का है,
254.254 NISP provider DNS server .30, then serial connection 1/0 के लिए हमने क्या दिया है 209.165.201.1 ओके एंड 1/1 के लिए 255 के दोनों के लिए दिया है. सो इसको भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड अगेन राइट क्लिक. हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा. ये फॉर टाइम सेविंग पर्पज है, आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो और थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करें. तो मैंने पहले से ही यहाँ पे कमांड लिख के रखे, सो हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा. इसे हम यहाँ पे दो लूप बैक वन फॉर एन वेब सर्वर, सॉरी लूप बैक जीरो फॉर वेब सर्वर एंड लूप बैक वन फॉर ISP DNS सर्वर. तो उसका जो भी IP एड्रेस है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया. देन 1/1 के लिए हमारा IP एड्रेस क्या है 226. ओके थोड़ा सा गलत हो गया शायद से. तो यहाँ पे डैश 1/2 है जिसके हम यहाँ पे देखो 1/2 सीरियल 1/2 फॉर 129 एंड 1/1 फॉर 226. ये थोड़ा सा जस्ट लाइक फॉर कॉपी पेस्ट करने की वजह से हुआ है, थोड़ा डजंट मैटर. हम इसको सॉल्व कर दिया एग्जीक्यूट करने से पहले, अदरवाइज एरर नहीं आता कोई भी, लेकिन वो प्रॉपरली कॉन्फिगर नहीं होता. प्रॉपरली कॉन्फिगर नहीं होता इसकी वजह से चेक करने का कि हम कौन से सीरियल के ऊपर, इन द सेंस सीरियल 1/2 के ऊपर 129 असाइन कर रहे हैं एंड 1/1 के ऊपर .226. तो इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, राइट क्लिक कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए राउटर थर्ड राइट क्लिक ओके नो शट डाउन इंटर ओके. कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा कि जो पॉपअप मैसेज आता है आफ्टर नो शट, ये वो मैंडेटरी नहीं है. कुछ सिस्टम सेंसिटिव होती है उसकी वजह से वहाँ पे जल्दी आता है, कुछ सिस्टम सेंसिटिव नहीं होती इसके लिए वहाँ पे नहीं आता. सो हम चेक करते हैं जैसे लाइक क्या कमांड था हमारे पास शो IP इंटरफेस ओके. सो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से इंटरफेस के ऊपर कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ है. जैसे लाइक कि 1/1 के ऊपर हुआ है 226, 1/2 के ऊपर जो हमारा ये वाला है तो 129 एंड लूप बैक के लिए 2 हुए. तो सिमिलर बाकी सबका चेक करते हैं. पहला कंट्रोल Z बैक करने का, फिर शो IP इंट BR. सेम यहाँ पे देखो इंटरफेस 1/0 के लिए 1/0 तो 1 आ गया .1 एंड 1/1 के लिए 225 एंड ऑर्डर 2 जो एक वेब सर्वर और एक DNS सर्वर के लिए. सिमिलर शो ओके शो IP इंट BR ये हमारे इंफॉर्मेशन के लिए या हमें पता होने के लिए कि एक्चुअल में वो वर्क हुआ कि नहीं ओके. तो यहाँ पे एक ही लूप बैक हम यूज़ करें, सो एक ही लूप बैक यहाँ पे आया है एंड सीरियल कनेक्शन 1.1 ओके सॉरी यहाँ पे एक क्वेरी हमारा गलत हुआ है. 1.1 यहाँ पे कोई भी ऐसा सर्वर नहीं जो हमने यूज़ किया है. सो यहाँ पे नो IP करना पड़ेगा और फिर से इसको कॉन्फिगर करना पड़ेगा. सो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करेंगे इन कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस. फिर पहले इसको डिसेबल करते हैं एस 1/1 को. 1/1 IP एड्रेस रिमूव करने के लिए नो IP एड्रेस कमांड ओके. देन इंट एस 1/2 यहाँ पे कौन सा जो चेंज करना है हमें IP एड्रेस 209.165.202.130 विथ एन सबनेट मास्क 255.255.255.252
with a subnet mask and bandwidth 128. Again, no shutdown and exit. Okay, so फिर से हम देखेंगे show IP int br. तो इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से पोर्ट के ऊपर कौन कौन से आईपी एड्रेस असाइन किए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता भी चलेगा कि स्पेसिफिक जो आईपी है ये वो प्रॉपरली असाइन हुआ कि नहीं. ओके, यहाँ से हमें एक अप इन द सेंस हमारे साइड से अप है एंड सेकेंडरी जो अप है कि सॉरी बिकॉज ऑफ माई वीडियो आपको विजिबल नहीं होगा, एक सेकेंड थोड़ा सा पोजिशन चेंज कर देते हैं. ओके, अभी विजिबल होगा कि जस्ट लाइक कि डायग्राम तो इतनी है उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होने वाला. सो चेंजेस हमारे इसके अंदर होने वाले, तो ये हमें अच्छे से विजिबल होना चाहिए. सो देखते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि कौन से आईपी एड्रेस के ऊपर या कौन से कनेक्शन इंटरफेस के ऊपर हमने कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह से वर्क हो रहा है. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ये हमारा इतना तक हुआ, देन हम क्या करेंगे, हमारे आईपी रूट के इन द सेंस एक स्पेसिफिकली जो प्रोटोकॉल है वो असाइन करेंगे. फिर उसके लिए हमारे पास कमांड है आईपी रूट, जो हमारे नेक्स्ट कमांड है. ये हमारे फर्स्ट राउटर के ऊपर अप्लाई करना है. आपके पास जो मैनुअल है इन द सेंस लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर भी सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि स्पेसिफिकली कौन से राउटर के ऊपर क्या हमें अप्लाई करना है. ओके, ये फर्स्ट इसका रूट का मीनिंग बता देता हूँ. ओके, अभी इसका मीनिंग क्या है, जस्ट लाइक कि 0.0.0 कि जो कहाँ पे कनेक्ट हम करने वाले हैं कि हमारा 10.209.165.201.1 ये वाला जो इंटरफेस है उससे हमें कनेक्ट करना है हमारा आईपी रूट. इन द सेंस ये राउटर वन को यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है, उस पर्पज के लिए हम इसको यहाँ पे असाइन कर रहे हैं. देन सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, इन द सेंस नेक्स्ट वाला जो कोड, इन द सेंस ये हमारा राउटर टू के लिए, राउटर टू इंटर. अभी इसका मीनिंग देखो कि यहाँ पे हम क्या करके जो राउटर के ऊपर EIGRP ओके इनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करने वाले. सो उसके थ्रू दो जो नेटवर्क है हमारे, एक सेकेंड नेटवर्क के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकेंड. ओके, यहाँ पे जो 31 है उसकी जगह पे तीन ही लो, सिर्फ थ्री लो. ओके, अगेन कॉपी सेट पेस्ट. ओके, क्यों, क्योंकि हमने उतना ही वैल्यू वहाँ पे पहले से असाइन किया था, गलती से 31 हो गया. देन नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे देखो क्या हमने किया कि जो दो नेटवर्क्स थे नियर बाय वो यहाँ पे ऐड कर दिए. ओके, जस्ट लाइक फर्स्ट नेटवर्क आई थी 209.165.200.224 एंड सेकेंड नेटवर्क दैट इज 10.209.165.201.0, दो नेटवर्क यहाँ पे ऐड कर दिए विथ अ वाइल्ड कार्ड. ओके, वाइल्ड कार्ड क्या होता है, जो हमारा सबनेट मास्क होता है उसके अपोजिट. जस्ट लाइक सबनेट मास्क हम क्या असाइन करते हैं विथ आई आईपी एड्रेस 255.255.255.252. ओके, 252 माइनस 255 तो रिमेनिंग इज 3, तो यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड 3 लेंगे. ओके, देन यहाँ पे और एक रूट हम असाइन करेंगे, जस्ट लाइक कि हमें सोर्स एड्रेस का है कि कहाँ पे कनेक्ट करना है, 192.162.1.0 इन द सेंस यहाँ पे कनेक्ट करना है इस नेटवर्क के, राउटर वन के नेटवर्क पे. वाया किससे कनेक्ट करेंगे हम, 192.162.201.2 के वाया ये जो सीरियल पोर्ट है 1/0 इससे हम कनेक्ट करने वाले. ओके, और अच्छे से समझने के थोड़ा डायग्राम जूम कर देता हूँ. ओके, सो एक सेकेंड ये इधर आ जाएगा, ISP provider 1. ISP provider 2.
तो अच्छे से समझ में आ जाएगा एक के डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा राउटर 2। देन राउटर 3 के लिए कोड रेडी है, कोड सिर्फ हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और अंडरस्टैंड करके लेना है कि किस तरह से वर्क हो रहा है। देन राउटर 3 कंट्रोल, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। राउटर 3 के भी जो नेबर बाय 2 नेटवर्क थे, जैसे कि 209.165.200.224 एंड 202.128, ये जो दो नेटवर्क थे हमने ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे भी पाथ ऐड कर दिया, जस्ट लाइक रूट ऐड कर दिया कि 192.168.1.1/24 जो पाथ है वहाँ पे हमने ऐड कर दिया वाया .120.120 से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं हमारे राउटर 3 को राउटर 1 से। ओके, तो उसके अंदर दो नेटवर्क भी आ गए, प्लस उसके अंदर हमने एक रूट भी स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है। ओके, नेक्स्ट दैट इज देन वी चेक अ लूप और पिंग कमांड। ओके, पिंग कमांड हमें वन बाय वन हर एक के ऊपर चेक करने के लिए टाइम जा सकता है, सो वी यूज एंड डायरेक्ट अ स्क्रिप्ट फॉर रनिंग अ पिंग कमांड। ओके, एक स्पेसिफिकली आईपी एड्रेस तो हम किस तरह से पिंग कमांड असाइन कर सकते हैं उसके लिए एक स्क्रिप्ट है, जैसे लाइक उसको हम क्या बोल सकते हैं, टी सी एल स्क्रिप्ट। उसके लिए आपको शॉर्ट में TCLSH लिखना है कमांड, सो आपका स्क्रिप्ट वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आप मैन्युअली भी कमांड लिख सकते हो और हमारे पास डायरेक्टली कमांड यहाँ पे अवेलेबल है फॉर ईच। हर एक के लिए क्या करेगा, पिंग कमांड फायर करेगा फ्रॉम सोर्स। सोर्स क्या है हमारे यहाँ पे कि 192.168.1.1। ओके, ये हमारा सोर्स एड्रेस होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पिंग मैसेज करेगा इंटर। यहाँ पे देखो सक्सेसफुली रेट आ रहा है, जस्ट लाइक कि सेंडिंग पैकेट 100% रिजल्ट 100% एंड 0%। ओके, सो लास्ट 158 को हम बोल देख सकते हैं कि वो कनेक्ट नहीं हुआ प्रॉपरली। ओके, और एक सेकेंड, यहाँ पे हम बोल सकते हैं उसको एक कनेक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ, तो उसको चेक करना पड़ेगा हमें कि क्यों वो 100% नहीं हुआ। ओके ओके, वो बाद में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं कि नेक्स्ट कमांड कौन सी है जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं। ओके, और एक कमांड है सिमिलर जस्ट लाइक एंड पिंग, दैट इज एन स्ट्रेस कमांड, कि जो भी हम फॉरवर्ड कर रहे रिकॉर्ड उसको स्ट्रेस करने के लिए कॉपी पेस्ट। ओके सॉरी एक सेकेंड, ट्रेस सी ई स्ट्राइक में यहाँ पे हम ट्रेस करेंगे कॉपी, जस्ट लाइक इसके अंदर भी थोड़ा सा इश्यू है नहीं है। ओके, ट्रेस कमांड भी सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। इस ट्रेस इन द सेंस वो स्पेसिफिकली स्ट्रेस करेगा कि कौन से पाथ तो हम किसको कनेक्ट करें तो किस तरह से वो कनेक्शन हो सकता है। ओके, अब फर्स्ट ट्रेस हम क्या करेंगे यहाँ पे IPSL है। ओके, देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज एन कॉन्फिगर IPSL। ओके, सो IPSL कॉन्फिगर करने के लिए हमारे पास सिंपल कमांड है कि प्री डिफाइन, इफ आप सर्च करोगे तो आपको कमांड मिलेगी कॉन्फिग के अंदर, हमें उसको कॉन्फिग टर्मिनल करना है, कॉन्फिग टी कॉन्फिग टर्मिनल, अब उसके बाद IPSL। ओके, एंड नंबर के नॉर्मली ए कमांड आप फायर करोगे तो ये एरर देने वाला है। कि एरर क्यों देगा कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट राउटर्स और डिफरेंट ISO फाइल्स इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, IPSL मॉनिटर 1। ओके, और मॉनिटर के बाद नंबर क्या डालने का, इफ हम कंफ्यूज होंगे तो यहाँ पे एंट्री नंबर जो होगा वो हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, जैसे लाइक IPSL 1। सो हमारी नेक्स्ट कमांड क्या होगी, नोट डाउन कर सकते हो आप, IPSL मॉनिटर
कि आपको आईपी एसएलई के साथ मॉनिटर कीवर्ड हर टाइम लिखना है, अदरवाइज वो वर्क नहीं होने वाला। ये आईपी एसएलई हो गया मॉनिटर वन, देन नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो कमांड था जो प्रीवियस वाला, ये ओल्ड पैटर्न में बोल सकते हैं, आईसीएमपी डैश इको 209.165.201.30। ओके, ए बी कमांड वर्क नहीं होता क्योंकि फर्स्ट कमांड ही हमारी चेंज हो गई, तो इसके वजह से ए बी कमांड यहाँ पे एरर शो करेगी। तो इसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, तो इसके लिए पैटर्न चेंज हो गया। जैसे लाइक टाइप यहाँ पे मेंशन करना पता है, टाइप क्या करना है हमें, इको देन बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कौन सा है, आईपी आईसीएमपी, जो हम आईसीएमपी यूज करेंगे, एंड देन इको। सो स्पेस नहीं देना है दोनों के बीच में, आईपी आईसीएमपी इको, देन आपका जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना, जस्ट लाइक 209.165.201 स्पेस 30। ओके, ये जो नेटवर्क होगा यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा आपको। ओके, हो गया एग्जीक्यूट इको। अभी इको के बाद नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी वाला था, फ्रीक्वेंसी एज इट इज हम करेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 10 एज इट इज, चाहे से स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ तो, एक सेकेंड, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी 10। ओके, लिटिल बिट टाइपिंग की वजह से, फास्ट टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक। सो फ्रीक्वेंसी देन एग्जिट। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या हम सेट करते हैं, क्यों सेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट अ टाइमर। ओके, फ्रीक्वेंसी कमांड शेड्यूल द कनेक्टिविटी दैट टेस्ट द रिपीट एवरी 10 सेकेंड। जो भी हम टेस्टिंग करने वाले वो हर 10 सेकेंड के बाद होना चाहिए, उस सिनारियो के हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट करने वाले टू शेड्यूल और स्टार्ट रन वगैरह उसके लिए, देन एग्जिट। सो ये इंपॉर्टेंट था जो हमारा कमांड एग्जीक्यूट नहीं होता था लास्ट टाइम, अभी हमने कर दिया। सो अभी इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि उसको देखने के लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, शो आईपी एस ए मॉनिटर। ओके, आपके प्रीवियस ओल्ड वाले जर्नल में आईपी एस एल ए सिर्फ होगा, सो आईपी एस एल ए मॉनिटर कॉन्फिगुरेशन 1, कि जो नंबर आपने यूज किया है 1, 10, 11, 20, जो भी नंबर यूज किया है वो नंबर आपको यहाँ पे देना है। तो उसके रिगार्डिंग ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है, दैट इज एन एंट्री नंबर, ओनर, टैग, टाइप ऑफ ऑपरेशन इको, टारगेट आईपी एड्रेस, रिक्वेस्ट साइज 28, ऑपरेशन टाइम आउट इन 500 या 5000 सेकेंड, वेरीफाइड डेटा नो, फ्रीक्वेंसी सेकेंड, इन द सेंस 10 सेकेंड हमने दिए थे फ्रीक्वेंसी के लिए, देन स्टार्टिंग टाइम, पेंडिंग स्ट्रिंग ट्रिगर, एक स्पेसिफिकली ट्रिगर होने के बाद वो क्या करने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, देन एंट्री एजेंसी, लाइफ टाइम उसका कितना है, 3600 सेकेंड्स, द थ्रेशोल्ड इन मिली सेकेंड्स, स्टैटिस्टिक नंबर्स ऑफ स्टैटिस्टिक यहाँ पे दिया गया है, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये हमें सिर्फ राउटर 1 के ऊपर ही परफॉर्म करना है। देन नेक्स्ट जो कमांड हमारा है इसके स्टैटिस्टिक देखने के लिए, तो सेम शो आईपी एसएलए मॉनिटर स्टैटिस्टिक। ओके, तो सेम स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे हमें विजिबल होने वाले, जस्ट लाइक आईपी ट्रिप टाइम इंडेक्स 1, कि फिलहाल हम इंडेक्स 1 ही यूज करें, इंडेक्स 2 अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया, तो इंडेक्स 2 क्रिएट करने के बाद इंडेक्स 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। कि जैसे लाइक फॉर राउटर 2 हमने यहाँ पे सिंगल इंडेक्स क्रिएट किया, इन द सेंस प्राइमरी लिंक क्रिएट किया है, सो इंडेक्स 2 भी हम क्रिएट करेंगे फॉर एन सेकेंडरी लिंक, उसके भी सेम प्रोसीजर सेम कमांड हमें एग्जीक्यूट करने है। सो फिर से सेम कमांड, कॉन्फिग टर्मिनल आईपी एस एल ए 1 की जगह पे 2 फॉर सेकेंड इंडेक्स, देन जो आईपी एड्रेस था यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि फर्स्ट क्या था
ये वाला था डीएनएस सर्वर के लिए। अभी हम डीएनएस सेकंड सर्वर जो है उसका आईपी एड्रेस डालेंगे यहाँ पे 209.162.202.158। ओके देन अगेन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 10 एज इट इज देन एग्जिट। ओके अभी इसका यूज क्या है कि सेकेंडरी लिंक हम क्यों क्रिएट करें, इफ हमारी जो फर्स्ट वाली लिंक होगी वो कोई भी रीजन की वजह से फेल हो सकती है, जैसे कि ट्रैफिक का लोड हो सकता है या कोई भी पावर फेल्योर की वजह से हमारा आईएसपी प्रोवाइडर वन होगा वो प्रॉपरली इंटरनेट प्रोवाइड हमें नहीं कर सकता इन अ फ्रिक्वेंसी मैनर फ्रिक्वेंट मैनर। सो हम आईएसपी टू यहाँ पे क्या करेंगे यूज करने वाले हैं। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी जो शेड्यूल होगा शेड्यूलर यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे कि सेकेंड वाला जो आईपी कॉन्फ़िगर है हमने किया हुआ जस्ट लाइक आईपी एसएलए मॉनिटर शेड्यूल। ओके शेड्यूल क्योंकि फर्स्ट है तो सिंगल है उसको शेड्यूल करने की जरूरत नहीं। सेकेंड वाला कब हम करेंगे ये हमारा सेकेंड लाइफ फॉरएवर स्टार्ट टाइम नाउ। ओके कि ये कब स्टार्ट होगा आफ्टर द फर्स्ट वाला जब भी स्टॉप हो जाएगा कोई भी रीजन की वजह से वो मॉनिटर करता रहेगा, इफ जब फेल उसको मिलेगा देन वो क्या करेगा खुद ही अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकेंड शो आईपी एसएलए मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके तो अभी कॉन्फ़िगरेशन किसका देखना हमें सेकेंड का। तो सेकेंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि लाइक कहाँ से यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंट्री नंबर टू यहाँ पे कमांड है हमारी आईपीएसएलए मॉनिटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजिन सेकेंड इंजिन फर्स्ट इन द सेंस जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है देन सेकेंड एंट्री नंबर देन उसके लिए हमने जो टारगेट आईपी एड्रेस असाइन किया है देन उसका फ्रिक्वेंसी ये बाकी के वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट है। कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मोर कर सकते हैं इफ हिस्ट्री फिल्टर वगैरह ये ऑल सारे ऑप्शन इसके अंदर देख सकते हो। देन नेक्स्ट ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए अभी हम स्टैटिस्टिक देखेंगे सेम जो फर्स्ट के लिए हमने क्वेरी फाइल की थी शो आईपी एसएलए मॉनिटर स्टैटिस्टिक्स टू। ओके यहाँ पे देखो इंडेक्स टू के लिए वैल्यू आ गए, पहले हमने इंडेक्स वन देखा था यहाँ पे इंडेक्स टू नो कनेक्शन बिजी टाइम आउट। ओके बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड है सो उसकी वजह से अभी हम देख सकते हैं हमारा टाइम क्या चालू है और नीचे देखो कि टाइम जैसे 2 जुलाई 2021 पुराना वर्जन सॉफ्टवेयर का होने की वजह से वो उतना ही टाइम दिखा रहे 1 मार्च 2002। ओके मैनुअल के अंदर हमारा 2015 चालू है ये पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर नया है कौन सा पुराना। ओके सो अभी हम क्या देखेंगे नेक्स्ट एक देखते हैं इसके अंदर याद रखो थोड़ा सा ट्विस्ट है एक शो आईपी रूट बिगिन गेटवे। ओके अभी देखो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया इस कमांड की वजह से बट हम इसको एक ट्विस्ट करेंगे जैसे लाइक जो जी होगा हमारा गेटवे का वो केस सेंसिटिव है तो उसकी वजह से हम इसको कैपिटल जब देंगे केस सेंसिटिव होने की वजह से तभी वो अपना कमांड फायर करेगा एंड तभी आपको जो भी प्रॉपर आउटपुट होगा वो पता चले। ओके तो याद रखो कि GNS3 भी केस सेंसिटिव है। ओके कुछ टर्म में वो केस सेंसिटिव नहीं होता जैसे लाइक हम पहले जितने भी कमांड किए उसके अंदर नहीं है केस सेंसिटिव वो रन हो जाता है बट इसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। ओके देन नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है रिकॉर्ड ट्रैक करना है तो ट्रैक वन आईपी एसएलए मॉनिटर 1 रीचेबिलिटी ये रीचेबिलिटी चेक करने के लिए सॉरी ट्रैक के पहले उसको कॉन्फिग टर्मिनल में होना चाहिए तभी वो ट्रैक करेगा ट्रैक वन आईपी एसएलए
मॉनिटर वन रीचेबिलिटी। इस कमांड से क्या होगा कि जो हमने ट्रैक क्रिएट किए वो किस तरह से रीचेबल हो रहे हैं कि नहीं। ओके तो इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि स्पेसिफिकली जो कमांड हम एग्जीक्यूट करें वो रीचेबल करे कि नहीं। हेलो फ्रेंड, देयर इज सम चेंजिंग फॉर अ ट्रैक ट्रैकिंग रीचेबिलिटी। तो कमांड इज दैट ट्रैक वन आर टी आर वन रीचेबिलिटी। ओके ट्रैक वन एंड दिस इज आई पी एस एल ए नंबर एंड रीचेबिलिटी कीवर्ड। ओके देन नेक्स्ट देन डिले डाउन 10 अप 1। तो इसका मीनिंग क्या है कि 10 सेकेंड के बाद वो क्या करेगा, एक डिले अप करेगा, इन द सेंस एक स्पेसिफिकली हमें हेल्प करेगा या एक ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा टू रैपिडली इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए कि डीएनए सर्वर को जो इन्फॉर्मेशन की 10 सेकेंड के बाद एक स्पेसिफिकली डीएनए सर्वर को मैसेज पास करने के लिए हम डिले 10 अप 1 कि 10 सेकेंड के बाद एक मैसेज यहाँ से जनरेट हो जाएगा। देन एग्जिट। अभी देखो कि इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा डिबगिंग मोड ऑन करेंगे। फॉरेन डिबगिंग कीवर्ड है द डिबग डिबग स्पेस आईपी राउटिंग। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो डिबगिंग होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे पाथ चालू हो गया, जैसे कि जो फर्स्ट वाला पाथ था कि राउटर्स थे आईएसपी प्रोवाइडर वन स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। देन अभी हमें क्या करना है, ओके यहाँ पे ट्रैक जो भी ट्रैक है हमारे आईपी रूट के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें मेंशन करना है, जैसे कि हमने जो अभी ट्रैक क्रिएट किया है कि वो हमें एन मेंशन करना है हमारे आईपी कॉन्फ़िगरेशन के साथ कॉन्फ़िग टर्मिनल। ओके देन किस तरह से हम कहेंगे आईपी रूट जो हमारा फर्स्ट था 0000 एंड 209.165.201.1, ये वाला हमारा नॉर्मल फर्स्ट था जो हमने आईपी रूट असाइन किया था। सेकेंडरी हम इसके अंदर क्या कहेंगे, टू ट्रैक वन। ओके इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रैक वन अभी हमने डिसाइड किया, जो सेटिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन किया, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ये स्टैटिस्टिक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो इसके अंदर ऐड करने के बाद देन हम इसकी जो रीचेबिलिटी है फॉर सेकेंड के लिए भी सेम कॉन्फ़िगर करेंगे ट्रैक टू, इन द सेंस जो दोनों भी आई पी ऐसे ले दोनों के लिए सेम ट्रैक टू आई पी, एक सेकेंड, ट्रैक टू आर टी आर टू आर टी आर टू के बाद देन अगेन जो रीचेबिलिटी 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 के बाद देन सेम डिले वाला डिले डाउन 10 अप 1। ओके देन एग्जिट। इसको भी हमारे रिकॉर्ड के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए सेम कमांड जो आईपी रूट वाला था अभी का आईपी रूट। सो एक हमारा थर्ड पाथ हो गया, तो थर्ड एंड देन ट्रैक सेकेंड। ओके वन बाय वन रूट ऐड करेंगे, जो फर्स्ट था जो नॉर्मल जिसके अंदर हमने कोई भी ऐड नहीं किया, डायरेक्ट 0 0 एंड रिकॉर्ड दिया, देन सेकेंड ट्रैक थर्ड ट्रैक ट्रैक वन ट्रैक टू, दैट इज एन सेकेंड और थर्ड रूट हमने इसके अंदर